खबर है मिर्जापुर से। देश में आज से नई कानून व्यवस्था लागू हो गई है। इससे पहले जो आईपीसी था उसे एक अंग्रेज वकील थॉमस बबिंगटन मैकाले ने तैयार किया था, जो आईपीसी 1860 कहलाया। आपको बता दें कि मैकाले ने खुद एक बार अपने लीगल एक्सपीरियंस के बारे में कहा था कि मेरे कानून का अनुभव इतना सीमित है कि उससे केवल मुर्गी चोरी के मामले में किसी को दोषी ठहराया जा सकता है। खैर, अब मैकाले के बनाए कानून को समाप्त कर नई कानून व्यवस्था लागू हो गई है। इसी क्रम में मिर्जापुर के डीआईजी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने पत्रकारों से वार्ता कर नए कानून के बारे में जानकारी दी है। केंद्र सरकार द्वारा आज से पुरानी कानून प्रक्रिया इंडियन पिनल कोड में बदलाव कर भारतीय न्याय संहिता किया गया लागू। कानून की कई धाराओं में भी किया गया बदलाव। गंभीर अपराध, धोखाधड़ी, महिला उत्पीड़न की धाराओं में किया गया बदलाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीआईजी आर के सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह, सीओ सिटी मनोज गुप्ता, सीओ सदर मंजरी राव, डीजीसी क्रिमिनल आलोक राय, अध्यक्ष बार एसोसिएशन संजय उपाध्याय मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीपू सुल्तान। पूरे देश में आज 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू किए गए हैं। उसके संदर्भ में पुलिस विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश में सभी थानों पर इसके विषय में बताने के लिए एक कार्यक्रम पूरे जनपद में आयोजित किया गया है सभी थानों पर, जिसमें जन सामान्य, विभिन्न स्टेक होल्डर्स, अधिवक्तागण, सरकारी अधिवक्तागण, पुलिस वाले सभी लोग उपस्थित थे और सबको इस विषय में जो भी परिवर्तन हुआ है, जो चीज़ें जोड़ी गई हैं, उनको सबके विषय में पूरी तरह से बताया गया है। पब्लिक को तमाम कन्फ्यूजन हो सकता है, जैसे एक सामान्य धारा है हत्या की 300 को, अब वो बदल करके जो है 103 हो गई है, तो इसके विषय में पुलिस वालों को भी बताया गया है कि वो समझा दें उनको, अगर पूछते हैं तो बताएं उसको कि ये धारा बदल गई है, अपराध उसी अपराध के लिए धारा लगती है, केवल धारा का सेक्शन बदला है, उसका नंबर बदल गया और कोई चीज़ नहीं बदली। आपके सर विभाग की तैयारी कितनी है लोकल स्तर? विभाग की तैयारी, विभाग इसमें पिछले 2 महीने से विभिन्न स्तरों की ट्रेनिंग करा रहा है, आरक्षी से लेकर के और SP लेवल तक सबके प्रशिक्षण हो रहे हैं और लगातार अभी हो रहे हैं। फॉरेंसिक टीम तमाम बनाई गई हैं, मोबाइल्स उनको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, व्हीकल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 7 साल के ऊपर की सजा में तमाम जितने घटनास्थल में सब पे जाना है, उस टीम को एविडेंस क्रिएट करना है, तो उस तरह का प्रशिक्षण चल रहा है। लंबी प्रक्रिया है और काफ़ी मेहनत की जा रही है, कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसमें हम ठीक ढंग से काम करना शुरू कर दें, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना उत्पन्न हो और जो उद्देश्य है उसका कि अपराधियों को ठीक ढंग से दंडित कराया जा सके, उनको सजा मिल सके, उसके उद्देश्य की पूर्ति हो।